5, 4, 3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। देर रात शक्ति पुलिस की महिला कर्मचारी का एक्सीडेंट, पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप पहुंचे मिलने, उपचार जारी। सड़कें और पानी की समस्या को लेकर कोटड़ा निवासियों ने किया प्रदर्शन। कई सालों से सड़कें हो रखी है खराब, पानी की पाइपलाइन भी नहीं है ठीक। मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में कांग्रेस का करेंगे सूबड़ा साफ, बोले बेरोजगार युवा। आरपीएससी के बाद किया प्रदर्शन, परिणाम घोषित होने के बाद भी नहीं हो रही काउंसलिंग। मरीज का मोबाइल चोरी करके भागा चोर, मरीज के परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, भोपोकाबाड़ा क्षेत्र के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जलदाय विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। बीसलपुर बांध में पानी आने के बावजूद अजमेर में नियमित रूप से नहीं मिल रहा पानी। सिग्नल वर्कशॉप के मशीन शॉप और गोदाम में चोरी, कई विभाग के सील लगे ताले तोड़े। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्य, बोले सेंगवा। पूर्वांचल जनचेतना समिति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।